dismantle of swing arm, list of tools required. सबसे पहले हम लेफ्ट साइड का स्विंग आर्म कवर खोलेंगे. स्विंग आर्म कवर को ट्रे में रखेंगे. हमेशा ध्यान रखें पेंटेड एरिया ऊपर की तरफ होना चाहिए जिसको हम स्केचेस से बचा सकें. अब राइट साइड का स्विंग आर्म कवर खोलेंगे. ब्रेक केबल को खोलेंगे. ब्रेक केबल के साथ स्प्रिंग को माउंट कर देंगे. अब 10 नंबर के बॉक्स पैनल के साथ हम जो होल्डर प्लेट के बोल्ट को खोलेंगे. इसके बाद हम 10 नंबर के टी स्पैनर से ही एंटी रोटेशन प्लेट के दोनों तरफ के बोल्ट्स को खोलेंगे. इसके बाद हम 21 नंबर के रैचेट से और डी स्पैनर से मोटर के नट को खोलेंगे. अब हम मोटर को बाहर निकाल लेंगे. इसके बाद 10 नंबर के टी स्पैनर से इनर मडगार्ड के बोल्ट को खोलेंगे. दूसरी तरफ के बोल्ट्स को खोलेंगे. अब इनर मडगार्ड को हम निकाल लेंगे. इसके बाद हम शॉकर को खोलेंगे. इसमें हम 13 नंबर का रैचेट या बॉक्स स्पैनर और 17 नंबर का डी स्पैनर यूज करेंगे. अब हम शॉकर के बोल्ट को निकाल लेंगे. सभी हार्डवेयर को एक ट्रे में रखेंगे. अब दूसरी तरफ के शॉकर को खोलेंगे. इसके लिए भी हम 13 नंबर का रैचेट विद सॉकेट और 17 नंबर का डी स्पैनर यूज़ करेंगे. अब हम स्विंग आर्म एक्सल को खोलेंगे. इसके लिए हम
12 नंबर का टी स्पैनर और 17 नंबर का डी स्पैनर यूज़ करेंगे। अब हम स्विंग आर्म को निकाल लेंगे। हमेशा ध्यान रखें मेटल पार्ट्स और प्लास्टिक पार्ट को एक ट्रे में ना रखें, मेटल पार्ट प्लास्टिक पार्ट को डैमेज कर सकता है। थैंक यू।